चंडीगढ़ में मंत्री कमल गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही अपने मंत्रालय में हुए कामकाज का उन्होंने इस दौरान ब्यौरा दिया है। मंत्री गुप्ता ने कहा कि 31 दिसंबर तक हाउस टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी को खत्म कर दिया गया है और ये कदम सिर्फ हरियाणा में ही उठाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व हक योजना को लेकर 7000 आवेदन आए हैं और करीब 1700 शिकायतों का निपटारा भी किया गया है। अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अवैध कॉलोनियों को लेकर नियमों में काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन दी गई है। 1465 कॉलोनियों के रेजोल्यूशन पास हो गए हैं और नियमों में भी छूट दी गई है। स्वच्छता को लेकर उन्होंने कहा कि कचरे को प्रोसेस करने के लिए 13 क्लस्टर्स बनाए गए हैं। सोनीपत और पानीपत में क्लस्टर्स चल रहे हैं, गुरुग्राम में भी काम चल रहा है और बाकी क्लस्टर का काम कंपनी को दे दिया गया है। जो हाउस टैक्स जमा करवाते थे वो लगभग 30 लाख की अगर मैं प्रॉपर्टीज मानूं तो 25% लोग जमा करवाते थे और बहुत सारा जो हाउस टैक्स है वो पेंडिंग है और उस पर पेनल्टी भी लग गई, इंटरेस्ट की पेनल्टी लग जाती है। तो हमने लोगों की सुविधा के हिसाब से और ये टैक्स हमारे पास किसी तरीके से ज्यादा है इसलिए हमने एक योजना निकाली और हमने इसके भी बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, बड़ा बड़ा इसको एडवर्टाइज भी किया कि 31 दिसंबर तक हम जितने भी लोगों का पेंडिंग हाउस टैक्स है उस पर जो पेनल्टी लगी है इंटरेस्ट की वो सारा वेव ऑफ कर दिया। और पिछले जो हफ्ते का जो हमारे पास एक किस्म से जो इनपुट्स आए हैं उसमें लोगों ने अपना वो जो इंटरेस्ट माफ करवाने के लिए लोगों ने टैक्स जमा करवाना भी शुरू किया। अब ये जो सारा प्रॉपर्टी आईडी का काम है ये पूरे हिंदुस्तान में केवल हरियाणा में ही हुआ है, बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी। अब इसमें जो ऑब्जेक्शंस आए उसमें किसी का नाम का ऑब्जेक्शन था, किसी का थोड़ा एरिए का भी ऑब्जेक्शन था, किसी की ऐसे थोड़े बहुत कुछ ऑब्जेक्शंस थे। तो उसमें पहले ये पावर हमने डीएमसीज को दी थी, हमने उसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करके नीचे के लेवल पर हमने कहा कि भाई किसी का नाम अगर गलत है तो उससे एफिडेविट लो और उसका नाम ठीक करो, और किसी का 190 गज है वो कहता है 195 गज है तो वो एफिडेविट देकर कहता है तो उसको भी उसी लेवल पर दूर करो। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है। अभी मैंने जो इनपुट भी लिया काफी, लगभग मैंने हर महीने में सभी जिले के सभी जो डीएमसीज की हैं उनकी मीटिंग लेता हूं, ये सारा अपडेट हम करते हैं। तो उसमें हमारा प्रयास ये है कि महीने डेढ़ महीने में हम काफी ठीक लाइन पर आ जाएंगे